हेलो स्टूडेंट्स, आपका NVGA उन्नाव सरस्वती विद्या मंदिर काली रोड की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं यन यादव, क्लास 9th की मैथ कम स्टडी कराएंगे आपको एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित बताना है आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसका सलूशन है ये कथन बिल्कुल सत्य है। कारण क्या है, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है, यानी कहने का मतलब ये है जो अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या का एक पार्ट है। पार्ट होने के कारण ये कथन सत्य है। दूसरा है क्वेश्चन है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहाँ m ए प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या को मालूम होगा स्टार्ट होती है 1 से 1, 2, 3, 4 एंड डॉट डॉट सो ऑन। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल असत्य है। कारण क्या है कि m एक अगर प्राकृतिक संख्या है तो मान लेते हैं m = 2 मान लेते हैं, इसका वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर आएगा रूट m = ±√2। इसका वर्गमूल लेने पर यानी कि रूट एम की वैल्यू -2 भी होती है, हो सकती है और +2 भी हो सकती है। देखिए यहाँ पर रूट टू को संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन -√2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। तो एक तरफ से -√2 असत्य है तो √2 सत्य है। जब तक दोनों कथन सत्य नहीं होंगे तब तक इसको हम सत्य नहीं मानेंगे, इसलिए कथन सत्य है। अगला स्टेटमेंट है आपका है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये सलूशन इसका क्या असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याएं दोनों आती हैं। यहाँ केवल बात की गई है अपरिमेय संख्या की, तो इसलिए ये कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है, यदि नहीं कारण सहित बताइए। तो पूर्णांक संख्याएं कुछ प्लस की भी होती हैं, कुछ माइनस की होती है, लेकिन यहाँ प्लस की बात कही गई है यहाँ पर। तो सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं नहीं होती है, यानी जिसका हम वर्गमूल निकाल सकें तो वो संख्या होती है परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं, और जिसका वर्गमूल ना निकाल पाएँ वो संख्या हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल तौर पे √4 हमने एग्जाम्पल लिया, √4 इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, तो इसका हम वर्गमूल निकाल लिया ना, निकाल सकता है, इसलिए परिमेय संख्या है। √9 का वर्गमूल होगा जो है 3 होगा, जाकर ये आपका जो हो जाएगा ये परिमेय संख्या आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए √3 का एक्चुअल में वास्तविक हम मान नहीं निकाल सकते हैं, लगभग हम लोग यूज़ करते हैं जब कोई भी क्वेश्चन लगाते हैं, लगभग निकालते हैं 1.732, आगे डॉट डॉट हम जितना निकालते जाएंगे कभी ख़त्म ही नहीं होगा जाकर के। इसका लास्ट पॉइंट हम नहीं निकाल सकते कितना लास्ट पॉइंट होगा जाकर के, आगे डॉट डॉट करके दिखाया गया है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार आगे √5, √7, √11 ये सब अपरिमेय संख्या हैं, यानी जिसका हम वर्गमूल ना निकाल सकें वो अपरिमेय संख्या होती है, जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड हो गया। आपका होमवर्क ये है आपका, आप देख रहे होंगे √8, √16, √17, √25, √20 ये परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं छांटना है, और इसका कारण भी बताना है कि जो परिमेय संख्या है क्या परिमेय संख्या है, कारण सहित आपको लिखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो तो आपको हमारे नंबर पे फ़ोन करिएगा। धन्यवाद।